उन सब के प्रति हमारे मन में इसी प्रकार का श्रद्धा का भाव सदैव बना रहेगा। इस विश्वास के साथ कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा था और कांग्रेस को दहेज में मिला हुआ माफियावाद भी इस क्षेत्र की पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर रहा था। याद करना, माफिया शब्द का पहला प्रयोग इटली में हुआ और ये वहां से आते हुए पूरे देश के अंदर ऐसे फैला माफिया शब्द, कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं वन माफिया और कहीं पर पशु माफिया, पूरे देश के अंदर हावी होते गए। पूरी दिशा और दशा को बदलने के लिए इन चुनाव की क्या भूमिका होनी है, इन सब पर आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने प्रकाश डाला है। मित्रों, याद करिए आज से 15 वर्ष पहले के मध्य प्रदेश को, जब मध्य प्रदेश भी देश के बीमारू राज्यों में गिना जाता था, न सड़क, न बिजली, न पानी, न स्कूली शिक्षा, न स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था, न किसी कांग्रेस के दलालों ने किस प्रकार से उन्हें बेचारा बना दिया था, उसी की उपज आज राहुल गांधी बेचारे के रूप में हम सबके सामने है। राहुल गांधी पर तो कांग्रेस के नेता भी विश्वास नहीं करते। कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि राहुल गांधी जिस चुनाव का नेतृत्व करेंगे कांग्रेस की लुटिया डूबनी ही डूबनी है, कांग्रेस को हार सुनिश्चित हो जाती है। हम देख रहे थे, इससे पहले मैं त्रिपुरा के चुनाव में था, उससे पहले गुजरात, उससे पहले हिमाचल प्रदेश, इन सभी चुनाव भारी मतों से चुनाव जिता करके यहां से भेजेंगे। मित्रों, जितनी बड़ी संख्या आपकी है यहां पर, जितनी बड़ी संख्या है, एक एक व्यक्ति अगर एक एक दो दो परिवार को पकड़ ले, एक एक कार्यकर्ता, एक एक दो दो परिवार, एक परिवार का मतलब 5 मतदाता है, दो परिवार का मतलब 10 मतदाता है। आप में से हर कार्यकर्ता, हर मतदाता 10 नए मतदाता बॉटम में आ जाती है। कांग्रेस के नेता भी बोलते हैं कि राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं, और जब उनका राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसा है तो प्रदेश का नेतृत्व भी तो वैसे ही होगा, उनके पास नेतृत्व का अभाव। जो मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस ने इस देश को आतंकवाद दिया, नक्सलवाद दिया। आज कांग्रेस के एक नेता का नाम नक्सली गतिविधियों के साथ कैसे उनके सूत्र जुड़ रहे हैं, इसके रूप में भी आपके सामने आए होंगे। मित्रों, राष्ट्र की सुरक्षा की कीमत पर राजनीति अत्यंत सर